क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन जहाँ पर हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे, यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर जो 3 से डिविजिबल है। इस क्वेश्चन में हम उन नंबर्स की बात करेंगे जो कि बाइनरी नंबर है लेकिन वो 3 से भी डिविजिबल है। अब देखो, बाइनरी नंबर के केस में क्या होगा, नंबर्स हमारे पास हो सकती हैं लेंथ 1 यानी कि आइदर 0 और 1, या फिर नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं लेंथ 2 यानी कि 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, या फिर नंबर्स आपके पास हो सकते हैं लेंथ 3 यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। उसी तरीके से लेंथ 4 के नंबर्स भी आपके पास हो सकती हैं। अब आप इन नंबर्स के बारे में चेक कीजिए, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 0, इसकी डेसिमल वैल्यू 1, इसकी डेसिमल वैल्यू 0 1 2 एंड 3, इनकी डेसिमल वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास लेंथ 4 की नंबर्स भी हो सकती है और लेंथ 5 की नंबर्स भी हो सकती है, ठीक है। अब आप चेक करो, जब हमें बताना है बाइनरी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, बाय 3 का मतलब क्या है कि आपके पास 3 रिमाइंडर्स आ सकते हैं, दैट इज रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। देखिए, आपके पास अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि आपके पास कोई नंबर इंस्टेड ऑफ 3, अगर आपके पास एक नंबर दे दी जाए n, विच इज डिविजिबल बाय n, n का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी रिमाइंडर्स आएंगे वो n से छोटे होंगे, कौन कौन से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1, तो लास्ट जो मैक्सिमम नंबर होगी आफ्टर डिविजिबल दैट इज n माइनस 1, यानी कि n से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तो इस केस में जब हमें करना है कि बाइनरी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, अगेन यहाँ पर 3 रिमाइंडर्स होंगे, रिमाइंडर 0 1 2 दैट्स इट, तो हम 3 स्टेट्स लेंगे हर एक रिमाइंडर के लिए। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास है S1, एज्यूम दिस इज स्टेट ए, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ 0, सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग लेंथ 0 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल। अब उसके अलावा फिर हमारे पास होगी स्टेट S0 जो कि रिमाइंडर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट S1 जो कि रिमाइंडर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टेट S2 जो कि रिमाइंडर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ देयर आस्किंग दे शुड बी डिविजिबल, दैट इज वाई जो स्टेट S0 है वो हमारी बनेगी फाइनल स्टेट। इतना समझ में आता है आप सबको, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर 0 है, 0 का मतलब है कि वो नंबर, वो जो वैल्यू है उसकी दैट इज ओनली 0, और वो हमेशा 3 से डिविजिबल रहेगा, तो इनिशियल स्टेट पे अगर आपके पास ट्रांजिशन 0 है यानी कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। बाइनरी नंबर आपके पास ओनली 0 है, ठीक है। अगर बाइनरी नंबर आपके पास 1 है यानी कि वो नंबर 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 1, तो अगर आपके पास 1 आता है यानी कि इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 1, ठीक है। अब देखो, इस 0 के बाद दोबारा से 0 आ सकता है, अगर 0 के बाद दोबारा से 0 आया तो नंबर बनी आपके पास 0, यानी कि ये बना आपके पास नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, यानी कि 0 के बाद दोबारा से 0 आए तब भी आप यहाँ पर रहेंगे क्योंकि ये नंबर आपके पास 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, इस 0 के बाद अगर आपके पास 1 आए, 0 के बाद आपके पास 1 आए यानी कि एक जो नंबर बनेगी वो बनेगी हमारे पास 1, और 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 1, यानी कि इस 0 के बाद अगर हमारे पास 1 आए तो हम रिमाइंडर 1 की स्टेट पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, 1 के बाद अगर आपके पास 0 आए यानी कि जो नंबर बन रही है वो 2, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम थे बिकॉज हमारे पास नंबर 1 आई थी, और जैसे ही हमारे पास एक 0 आएगा तो हम रिमाइंडर 2 की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इस 1 के बाद दोबारा से 1 आए तो नंबर बनी हमारे पास 3, और 3 का मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल है, तो हम स्टेट S0 पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हर एक स्टेट के लिए हमारे पास 3 ट्रांजिशंस होंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 के लिए। बट आगे देख लेते हैं, देखो अगर नंबर आपके पास 0 0 है, 0 0 मतलब है पहले 0 से आप यहाँ पर गए, दूसरे 0 से भी आप यहाँ पर रहे, और इसके बाद अगर 3rd 0 आपके पास आता है, 3rd 0, इसका मतलब है कि जो नंबर है वो कम्प्लीटली 0 है, तो उस केस में भी हम स्टेट S0 पर ही रहे, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास 0 0 के बाद एक 1 आ जाए, 0 0 के बाद 1 आ जाए, यानी कि अब हमारे पास नंबर की वैल्यू होगी 1, तो रिमाइंडर 1 होगा, तो 0 0 और 1, करेक्ट। अब देखो, अगर आपके पास 0 1 0 हो, यानी कि 0 1 और 0,
0, 1, 0, इसका मतलब है कि हम स्टेट S2 पर चले गए, इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 2 ही है, यहाँ तक इट इज़ वर्किंग करेक्टली। अब देखो 0, 1, 1, यानी कि 0, 1 और 1, दोबारा से हमने 0, 1, 1 पर गए, यानी कि हम स्टेट S0 पर गए, इसका मतलब है रिमाइंडर 0, देट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट 1, 0, 0, यानी कि 1, 0 और इसके बाद दोबारा से 0 आ जाए। देखो 1, 0, 0 का मतलब है नंबर बनी है हमारे पास 4, 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 1, तो 1, 0 और दोबारा से अगर हमारे पास 0 आता है तो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है। तो वाला केस हैंडल हो गया है। अब देखो 1, 0, 1, यानी कि 1, 0, अगर यहाँ पर 1 आ जाए, अब देखो 1, 0, 1 का जो वैल्यू है वो है 5, 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 2, तो 1, 0, 1 के केस में हम यहाँ पर दोबारा से यहीं पर रहे क्योंकि इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2, ठीक है। अब देखो 1, 1, 0, तो 1, 1, 0, तो रिमाइंडर 0, 1, 1, 0 का मतलब नंबर 6, 1, 1, 1, तो नंबर है हमारे पास 7, तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1, 1, 1, तो रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। तो ये जो हमारे पास एक DFA है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन बाइनरी नंबर्स को जो 3 से डिविजिबल है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास नंबर है 1111001, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। पहले वन को हमने रीड किया, पहले वन को रीड किया तो हम स्टेट ए से लेकर स्टेट एस वन पर चले गए, ठीक है। अब फिर दूसरे वन को हमने रीड किया तो हम स्टेट एस वन से स्टेट एस नॉट पर चले गए, ठीक है। फिर तीसरे वन को हमने रीड किया तो हम स्टेट एस नॉट से दोबारा से स्टेट एस वन पर आ गए, ठीक है। फिर चौथे वन को हमने रीड किया तो यानी कि हम स्टेट एस वन से स्टेट एस नॉट पर चले गए, ठीक है। फिर हमने जीरो को रीड किया यानी कि स्टेट एस नॉट से हम स्टेट एस नॉट पर ही रहे। फिर हमने नेक्स्ट वन जीरो को रीड किया यानी कि स्टेट एस नॉट से एस नॉट पर ही रहे। उसके बाद फिर हमने इस लास्ट वन को रीड किया यानी कि स्टेट एस नॉट से हम स्टेट एस वन पर चले गए। इसका मतलब है कि पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के बाद अगर हम स्टेट एस वन पर आए हैं यानी कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है दैट शुड बी 1। वेरीफाई कर लेते हैं, जो नंबर है हमारे पास वो है 1111001, सो दिस इज 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 एंड दिस इज 2^6। 2^6 मतलब 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है। तो 32 प्लस 64 इज 96, 96 एंड दिस इज 24 प्लस 1 इज 25, तो 96 प्लस 25 आपके पास कितना हो जाएगा, 26 के अंदर 25 ऐड कर दीजिए तो यहाँ आएगा 1 एंड दिस इज 12, सो नंबर आएगी 121। अगर आप 121 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 1 और जो कि हमें स्टेट S1 पर ही रोक रहा है। तो ये जो हमारे पास हमने DFA बनाया है दिस इज़ वर्किंग करेक्टली एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज बाइनरी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, मैं आपको फिर से एक और क्वेश्चन इस तरह से लूँगा।